भीलवाड़ा जिले के सुप्रसिद्ध शिवधाम श्री तिलस्वा महादेव में शिव महापुराण वृंदावन के आचार्य नरेंद्र शास्त्री गौड़ के मुखारविंद में 27 जुलाई से 2 अगस्त तक तिलस्वा महादेव स्थित नीलकंठ रिसोर्ट पर आयोजित होगा। मुख्य पुजारी तिलस्वा महादेव घनश्याम पाराशर गिरधर पाराशर ने बताया कि श्री तिलस्वा महादेव में 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन 27 जुलाई को सुबह 11 बजे पवित्र कुंड से कलश यात्रा के साथ शुभारंभ शिव भक्तों की मौजूदगी में होगा। 2 अगस्त तक चलने वाले शिव महापुराण 1 बजे से शाम 5 बजे तक श्री तिलस्वा महादेव स्थित नीलकंठ रिसोर्ट पर आयोजित होगी। कथावाचक आचार्य श्री नरेंद्र कृष्ण गौड़ वृंदावन धाम के मुखारविंद से प्रतिदिन प्रथम दिन शिव पुराण महात्म द्वितीय दिवस सृष्टि की उत्पत्ति शिवलिंग महिमा सती चरित्र बिल्व पत्र महिमा तृतीय दिवस शिव पार्वती विवाह चतुर्थ दिवस कार्तिकेय गणेश जन्मोत्सव पंचमी दिवस तारकासुर वध जलंधर वध शंखचूड कथा सृष्टि दिवस हिरण्यकश्यप वध वर्णासुर आख्यान मार्कंडेय कथा सप्तम दिवस द्वादश ज्योतिर्लिंग कथा व्यास पूजन हवन पूर्णाहुति और भंडारा प्रसादी आयोजन होगा। जय शंकर की हर हर महादेव। सावन मास के अधिक मास में श्री विश्वा महादेव स्थित नीलकंठ रिसोर्ट में शिव पुराण का आयोजन होगा। आयोजन में बहुत ही प्रख्यात वृंदावन के महाराज जी कृष्ण मुरारी जी के मुखारविंद से 7 दिन नीलकंठ रिसोर्ट पर शिव पुराण का आयोजन होगा। आप सभी धार्मिक बंधु अधिक से अधिक मात्रा में पदार्थ कर लाभ लेंगे। श्री तिलस्वा महादेव में अधिक मास और श्रावण मास के चलते लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं आज श्रावण मास में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और तिलस्वा महादेव के दर्शन कर रहे हैं। यहां पवित्र कुंड में स्नान कर वह मिट्टी का लेप लगाकर असाध्य रोगों का निवारण केंद्र श्री तिलस्वा महादेव है। इसीलिए आपको अनुरोध है कि श्री तिलस्वा महादेव मंदिर पहुंचकर कथा का श्रवण करें। वह तिलस्वा महादेव पहुंचकर लाभ कमाए।